सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको नेक्स्ट एडिशन बहुत ही ज्यादा फास्ट एपीएन सेटिंग गाइस बताने वाला हूं। और ये एपीएन सेटिंग गाइस आपके हर एक सिम पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से गाइस वर्क करेगा और आपको हर एक सिम पर काफी ज्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड दे देने वाला है। तो वीडियो गाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, देखते रहिए आप वीडियो को लास्ट तक। सो हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी समीर उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग द इनसेन सैम यूट्यूब चैनल। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले तो गाइज आप लोग को अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है, और मोबाइल की सेटिंग में आ जाने के बाद आप लोगों को सिम कार्ड से मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन में आ जाना है। फिर यहाँ पर गाइज आप लोग अपना कोई सा भी एक सिम कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद गाइज आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऑप्शन पे क्लिक करके ये न्यू एपीएन वाले बटन पे गाइज क्लिक कर देना है। तो आपको कुछ ऐसा गाइज फॉर्म खोलना है, और जैसा मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप गाइज इस फॉर्म में वैसा ही आपको फिलअप करना है। गाइज सबसे पहले तो आ जाना है आपको ये नेम वाले ऑप्शन पर, और नेम वाले ऑप्शन में गाइज आपको लिखना क्या है तो मैं बता देता हूँ। गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है बोट एक्स बॉस। यस गाइज, सो यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। बोट का गाइज जो बी रहेगा आपको कैपिटल रखना है, एक्स भी कैपिटल रहेगा, और बॉस का गाइज बी आपको कैपिटल रखना है। अब इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एपीएन का। एपीएन में गाइज आपको अपने सिम के हिसाब से डालना है। तो मैं जियो 4G का सिम कोड सेलेक्ट किया हूँ, तो मैं जियो 4G लिख दूंगा। अगर आप लोग और किसी सिम पे इस एपीएन सेटिंग को कर रहे हैं तो आप लोग बस अपने सिम का नेम लिख के आगे यहाँ पर 4G लगा दीजिएगा पीछे के साइड में। सो ये हो चुका गाइज एपीएन। एपीएन होने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके नीचे प्रॉक्सी एंड पोर्ट, तो ये दोनों को गाइज आपको नॉट सेट रहने देना है। अब इसके नीचे आपको आ जाना है ये यूजर नेम पर, और यूजर नेम में गाइज आपको लिखना क्या है तो मैं बता देता हूँ। गाइज यहाँ पर आपको लिख लेना है, यूजर नेम में आपको लिखना है स्पीड बॉट 21 एडिशन। गाइज सेम टू सेम ऐसा ही आपको लिखना है। और एक चीज गाइज आपको ध्यान ये देनी है कि आपको कोई भी स्पेस नहीं देना ये सारे कैरेक्टर के बीच में, और सारा का सारा स्मॉल लेटर। पासवर्ड को भी गाइज आपको नॉट सेट रहने देना है। सर्वर के ऑप्शन में आ जाना, और सर्वर में गाइज आपको क्या लिखना है तो मैं बता देता हूँ। गाइज यहाँ पर आपको लिखना है www.google.com, और गूगल का गाइज जो आपका फर्स्ट जी रहेगा उसको गाइज आपको डेफिनेटली कैपिटल में ही फिलअप करना है, और आपको गाइज कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। गाइज आप लोग को फिर सर्वर को भी ओके करके इसको सेव कर लेना। और गाइज सर्वर के ऑप्शन के नीचे आपको फिर ऑप्शन मिल जाता है MMSC का, तो गाइज MMSC को भी आपको नॉट सेट रहने देना है। MMS प्रॉक्सी को भी नॉट सेट, MMS पोर्ट को भी नॉट सेट। गाइज इन तीनों के नीचे आपको दो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स दिखती हैं, MCC एंड MNC। तो गाइज ये आपके एरिया का कोड है, इसको आपको एकदम भी छेड़छाड़ नहीं करना है। इस पे अगर आप लोग छेड़छाड़ करते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके नीचे गाइज आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप का। ऑथेंटिकेशन टाइप में गाइज आना है आपको, और लास्ट वाला ऑप्शन पैप और चैप जो है गाइज इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एपीएन टाइप का। गाइज एपीएन टाइप में आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना, नन नॉट सेट डिफॉल्ट। गाइज आपके फोन में जो भी लिखा हुआ है वैसे ही छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद गाइज आपको आ जाना है एपीएन प्रोटोकॉल में। एपीएन प्रोटोकॉल में गाइज आपको लास्ट वाला ऑप्शन IPv4/IPv6 सेलेक्ट करना है, और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी गाइज आपको सेम ही IPv4/IPv6 के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी। अब इसके नीचे गाइज आ जाती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो कि एक बेरर है, और ये एपीएन सेटिंग की गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। अब इसमें गाइज अनस्पेसिफाइड को आपको अनटिक करके बाकी के गाइज आपको जितने बेरर आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं ये सारे के सारे गाइज आपको बेरर सेलेक्ट करने हैं। बस एक बेरर को गाइज आपको सेलेक्ट नहीं करना, वो कौन सा है तो मैं बताता रहता हूँ। वो है गाइज IS95B। सो ये एपीएन सेटिंग को गाइज आपको छोड़े बाकी के सारे बेरर को सेलेक्ट कर लेने हैं, और अनस्पेसिफाइड को गाइज पहले ही अनटिक कर लेना है। बहुत सारे गाइज मोबाइल फोन्स में एक से ज्यादा बेरर सेलेक्ट नहीं हो पाते, सो सिर्फ आप लोग LTE के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके फोन में सिर्फ एक बेरर सेलेक्ट हो पा रहा है। अब इसके बाद गाइज इसको भी आपको ओके करके इस बेरर को भी सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा MVNO टाइप का। MVNO टाइप में भी गाइज आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसको भी छोड़ देना है। अब इसके बाद गाइज आपको एपीएन सेटिंग को सेव कर देना है, और सेव करने के बाद आपको टॉप साइड में गाइज देखने को मिल जाएगा बोटेक्स बॉस। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड 21 एडिशन का गाइज बहुत ही ज्यादा फास्ट एपीएन सेटिंग, आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको अपने फोन को रिस्टार्ट करना है। अब रिस्टार्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं गाइज इस एपीएन सेटिंग का बहुत ज्यादा पावरफुल एंड नेक्स्ट जनरेशन गाइज बहुत ज्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड। सो यहाँ पर गाइज आप लोग देख पा रहे हैं कि इस एपीएन सेटिंग से आपको गाइज बहुत ही ज्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड देखने को मिल जाती है, और ये एपीएन सेटिंग गाइज आपके हर एक सिम पर काफी ज्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड दे देगा। गाइज तो यही थी वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ गाइज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हैं, जल्दी से दबाएं सब्सक्राइब के बटन को, साथ में दबाएं उस बेल आइकन को। सो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के साथ। दिन से आर्मी, एंजॉय।